है इन द डायग्राम द सर्कल कंटेन्स द वर्टेक्सेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. नाउ एंगल ए बी सी इज 30 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ ए सी इज 5. द डायग्राम सॉरी द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का डायमीटर बताना है. जो भी गिवन हुई इन्फॉर्मेशन है पूरे सर्कल इसमें फिगर में दिखा रखी है. इसने एससी को 5 लेना है, ये एंगल 30 लेना है और इसमें हमें इसका डायमीटर बताना है. तो इसमें वैसे सिंप्लीफिकेशन की कोई विशेष है नहीं. जैसे ये सेंटर है अपने पास, मान लिया ओ है, सेंटर को ए और सी से हमने ज्वाइन करवा लिया. तो अब सेंटर पे जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री का होगा. इसमें एसी कोर्ड्स ने रिमेनिंग पोर्शन पे 30 बनाया है, तो सेंटर पे कितना बनाएगी इसका डबल 60 डिग्री. और फिर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है क्योंकि इसमें अपने पास ओसी और ओए रेडियस है, ये इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल. तो ये एंगल ये दोनों एंगल्स क्या हो गए इक्वल. दोनों का सम कितना बचता है इसको 180 में से हटा लें तो 120, और 120 फिर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो इसका मतलब ये भी 60 आएगा और ये भी 60. और इस टाइप से ये किस टाइप की ट्रायंगल हो जाएगी इक्विलैटरल. और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल तो ये 5 और ये भी 5. इसका मतलब ये ओ से ए तक रेडियस 5 है और डायमीटर इसने पूछा है तो डायमीटर इसका डबल यानी 10 हो जाएगा.